हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम टिप्स। यदि आपको दिन में 3 या अधिक बार ढीला पानी जैसा मल त्याग हो रहा है तो यह दस्त या डायरिया है, जिसे हम अंग्रेजी में लूज मोशन कहते हैं। इस स्थिति में आपको तेजी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जो डायरिया में आपको मदद करेंगे। बासी खाना, लू, तेज गर्मी, गंदा पानी या असंतुलित शारीरिक गतिविधियां, कई कारणों से आप गर्मियों के मौसम में डायरिया के शिकार हो सकते हैं। यह समस्या छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को प्रभावित कर सकती है। इसमें मल त्याग बहुत पतला हो जाता है, जिसमें आपके शरीर से काफी मात्रा में पानी निकल जाता है। पानी निकलने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, इसीलिए इसका उपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 घरेलू उपायों के बारे में जो आपके डायरिया को नेचुरली स्टॉप कर देंगे। सबसे पहला है दोस्तों, पानी का अधिक सेवन करें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार अगर आपको दस्त हुए हैं तो आपको बहुत अधिक तरल पदार्थ लेने की जरूरत होती है। डायरिया से पीड़ित लोगों को पानी, फलों के रस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, कैफीन रहित सोडा आदि पीने की सलाह दी जाती है। दूसरा है दोस्तों, केला खाने से मिल सकती है राहत। डायरिया में केला काफी राहत दे सकता है, क्योंकि केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो दस्त को कम कर सकता है। केला लंबे समय तक पेट में रह सकता है। डायरिया में आपको डेयरी के उत्पादों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके दस्तों को और ज्यादा खराब कर सकते हैं या गैस और सूजन का कारण बन सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा दही है, जिसमें प्रोबायोटिक होता है जो डायरिया के संक्रमण वाले बैक्टीरिया को और उसकी गंभीरता को खत्म कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खुद को आराम दे। अगर आप डायरिया में बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको और अधिक डिहाइड्रेट कर सकता है। डायरिया में आपके शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए हैवी वर्कआउट ना करें। अपने दैनिक जीवन का काम करें और ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने से बचें। दस्त में हल्का व्यायाम करें, लेकिन बहुत अधिक पेट पर जोर लगने वाला व्यायाम ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल। पिछले कई वर्षों से अदरक का इस्तेमाल पारंपरिक उपचारों के लिए किया जा रहा है। डायरिया में भी अदरक के इस्तेमाल में इसके कुछ लक्षणों को कम किया जा सकता है। कई समय से मोशन सिकनेस, गर्भावस्था से संबंधित बेचैनी और सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद नौजिया को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करें। डायरिया में कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके दस्त को और ज्यादा खराब कर सकती है। ज्यादा वसा वाले खाद्य पदार्थ, चिकने चटपटे खाद्य पदार्थ, आर्टिफिशियल मिठास वाले खाद्य पदार्थ या फिर फ्रक्टोज के उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नींबू, चीनी और नमक। डायरिया होने पर आपके शरीर से बहुत तेज मात्रा में पानी निकल जाता है, ऐसे में आपको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। बाहरी ग्लूकोज पाउडर पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप उबाल कर ठंडा किया गए पानी में चीनी, नमक और नींबू मिलाकर पिए। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। नींबू पाचन क्षमता को बढ़ाता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। ये आपके पेट को शांत करने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जरूरी जानकारी डायरिया के बारे में और उससे बचाव के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।